और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे, जो हमारे पास आ रही है कटनी से, जहां डाक मतपत्र सुविधा पेटी की सील खुली मिलने की शिकायत की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कलेक्टर परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कटनी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डाक मतपत्र सुविधा पेटी की सील खुली मिलने की शिकायत की गई है। कांग्रेसी प्रत्याशी की यदि बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। परिसर कलेक्टर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डाक मतपत्र सुविधा पेटी की सील खुली मिलने की शिकायत की गई। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं संवाददाता रविशंकर। रविशंकर, कैसे देखा जाए कटनी में डाक मतपत्र सुविधा पेटी की सील खुली मिलने की शिकायत की गई है, कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जानना चाहेंगे क्या रहा ये पूरा घटनाक्रम? जी सुनील जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, सुबह का 9:30 का टाइम था जब कांग्रेस प्रत्याशी ने जाके वहाँ मतलब चेक किया, तो उसको डाक मतपत्र की जो पेटी थी, जो सुविधा केंद्र टाइप का बना हुआ है 34 नंबर रूम में, और वहाँ पर जब देखा कि सील खुली हुई रखी है, तो उन्होंने भारी विरोध करके और आपत्ति दर्ज कराई कलेक्टर साहब से। अगर बात की जाए यहाँ पर कलेक्टर महोदय को आपत्ति और शिकायत दर्ज करा दी गई है, अब उनके द्वारा क्या रिएक्शन अभी तक सामने आए हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? अधिकारियों का कहना है कि ये मतलब गलती से खुली रह गई थी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी सौरभ सिंह का कहना है ये जानबूझ के खोला गया है, और उनका कहना है कि सुविधा के हिसाब से ये डाक मतपत्र जो है, जो कर्मचारी मतलब ड्यूटी जाते समय या उनको समय नहीं मिल पाता वोटिंग करने के लिए, उस वक्त आके ये वोट करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये धोखे से ताला खुला रह गया था। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के यहाँ पर बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यहाँ पर जो सील है वो खुली हुई मिली है, तो क्या ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरती गई है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही तो है, और उनका उनके सामने सौरभ सिंह के सामने पंचनामा बना के तैयार किया गया और फिर से सील लगाई गई है, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक ये पेटी की प्रक्रिया कलेक्टर परिसर में रखी रहेगी, उसके बाद स्ट्रगनिंग रूम में ले जाके रखा जाएगा मतपत्र। लेकिन साफ तौर पर रविशंकर, ये कहा जा सकता है जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोई भी समस्या सामने नहीं आएगी, और जो मतपत्र को लेकर जो डाक पेटियां हैं इनको लेकर साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि लापरवाही सामने नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये मामला सामने आया, कहा यह जा सकता है कि कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान उठने लाजमी है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने थोड़ा सा अपनी शक्ति कमजोर मतलब कर दी गई है, नहीं तो ऐसा नहीं होता, अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही तो उजागर हुई है सर, और इसके पहले भी कई मामले ऐसे आ चुके हैं अभी एमपी के अंदर। लेकिन चुनाव आयोग की यदि बात की जाए, चुनाव आयोग का तो साफ तौर पर कहना है कि कहीं भी लापरवाही या कहीं भी छोटी भी चूक नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग लगातार सक्रिय हैं और कर्मचारी जो हैं वो भी देख रेख में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिर ऐसा मामला सामने क्यों आ रहा है, गलती किसकी सामने आ रही है? जी इसमें तो कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी चुनाव आयोग की है, इसके पहले भी सागर में मतलब हुआ पेटी को लेकर, और सतना जिले में भी हुआ, मुरैना जिले में भी ऐसी शिकायत सुनने को मिली है। क्या ये कहा जा सकता है अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी का संरक्षण है? अगर ऐसा मामला सामने आया तो निश्चित तौर पर संरक्षण होगा, क्योंकि बिना संरक्षण के इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता। रविशंकर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कलेक्टर हैं। सर स्वागत है ND24 में आपका। कलेक्टर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल सामने आ रहा है कटनी से, जहां डाक मतपत्र सुविधा पेटी की सील खुली मिलने की शिकायत की गई है, आपको इस बात की जानकारी है? चौधरी साहब सवाल का जवाब दीजिए। तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि कलेक्टर महोदय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। एक बड़ा मामला सामने आया है, तस्वीरें सबसे पहले ND24 आप तक पहुंचा रहा है, जहां डाक मतपत्र सुविधा पेटी की सील खोली मिलने की शिकायत की गई है। एक बार फिर रविशंकर आपके पास मैं आना चाहूंगा, कैसे देखा जाए रविशंकर, कलेक्टर महोदय हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी तक उन्होंने कोई भी रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर नहीं दिया है, लेकिन कार्रवाई कब तक की जाएगी?
तो कटनी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले IND24 आप तक पहुंचा रहा है। डाक मतपत्र सुविधा पेटी की सील खुली मिलने की शिकायत की गई है। चुनाव आयोग की यदि बात की जाए तो साफ तौर पर चुनाव आयोग के द्वारा तमाम दावे किए जा रहे थे कि कहीं भी कोई चूक सामने नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी की यदि यहां बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। कलेक्टर परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शिकायत के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, लेकिन देखना होगा कि आखिर गलती किसकी सामने आ रही है। रविशंकर, एक बार फिर आपके पास मैं आना चाहूंगा। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर चुनाव आयोग ने यह कहा है कि सख्ती बरती जाएगी, कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आएगा, लेकिन अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी इस मामले को लेकर? ये भी एक कहने कि चुनाव आयोग ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, लेकिन काम तो अच्छे से किया, लेकिन ये कांग्रेस के ही लोग आपत्ति लगा रहे हैं सारी जगह पे, जहां भी इनकी शिकायत जो भी सामने आए कांग्रेस के ही लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। जो ये मामला सामने आया है रविशंकर, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है जो कांग्रेसियों के द्वारा शिकायत की जा रही थी उस शिकायत को बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा बीजेपी अपनी बौखलाहट से तो घबरा रही है या कांग्रेस अपनी हार से घबरा रही है, इसलिए शिकायत सामने आ रही है। लेकिन जो कटनी का जो सामना मामला आया उसमें तो पेटी की सील खुली हुई दिखाई दे रही है। अधिकारियों कर्मचारियों की बात की जाए तो क्या ये कहा जा सकता है, क्या कोई संरक्षण यहाँ पर अधिकारी या कर्मचारी को प्राप्त है? जी कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार का या किसी अधिकारी को चलिए संरक्षण आपको रुकना प्राप्त। चाहेंगे। राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक तनखा जी। तनखा जी, स्वागत है N24 में आपका। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे, कटनी की हम बात कर रहे हैं जहां डाक मतपत्र सुविधा पेटी की सील खुली मिलने की शिकायत की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। सर, क्या रिएक्शंस देंगे आप? नहीं देखिए, ये सीरियस बात है और पूरी इसी तरह की शिकायतें पूरे मध्य प्रदेश से आ रही हैं। आज हम 2 बजे चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर जा रहे हैं, चुनाव आयोग और कमीशन से मिलने, और ये सब बातें हम उनको बताएंगे कि साहब आपके रहते हुए ये सब बातें कैसे हो रही है, क्योंकि अगर प्रजातंत्र में चुनाव भी निष्पक्ष नहीं होगा तो क्या निष्पक्ष होगा। और हमारे पास और भी सर, बहुत सारी अगर कांग्रेस कंप्लेन की आई है बात करें सब। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? जैसा कि कांग्रेस ने पहले भी मामला उठाया था कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन क्या अब ये कहा जा सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर मिल गए हैं, शिकायतों को बल भी मिल रहा है? नहीं बिल्कुल, और ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण हम इलेक्शन कमीशन के सामने 2 बजे रखने वाले हम लोग सब जा रहे हैं, और ये सब उनसे उनसे चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से प्रजातंत्र की हत्या ना करें। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए और उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस और फेयर होना चाहिए। ये सब बातें हम रखेंगे और कटनी की बात भी हम रखेंगे। सर, चुनाव आयोग की यदि यहाँ पर बात की जाए, चुनाव आयोग का ये कहना है कि कहीं भी कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। अगर लापरवाही नहीं बरती जाती है तो फिर आखिर ऐसे मामले कैसे सामने आएंगे? वही हम बोल रहे हैं उनसे कि अगर 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 चुनाव आयोग सख्त नहीं होगा तो जो ऑफिसर्स के लेवल पे जो जो शासन के द्वारा जो तरीके अपनाए जा रहे हैं जी इन्फ्लुएंस करने के लिए इलेक्शन को, वो उचित नहीं है, और ये यही सब बातें हम लोग बताने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिए। भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया। राजपाल जी, स्वागत है N24 में आपका। नमस्कार राजपाल जी, जानना चाहेंगे कटनी की हम बात कर रहे हैं जहां डाक मतपत्र सुविधा पेटी की सील खुली मिलने की शिकायत की गई है कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा चुनाव आयोग से, क्या रिएक्शंस देंगे सर? निश्चित तौर पर अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसमें उसकी जांच होना चाहिए, दोषियों को दंडित करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का भी यही मानना है कि चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हम भी चुनाव आयोग से और विशेष करके मध्य प्रदेश निर्वाचन से हम ये मांग करते हैं कि भाई निष्पक्ष जो है उसकी जांच हो, और अगर किसी से त्रुटि हुई हो, त्रुटि में अगर वो दोष सिद्ध होता है तो कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि चुनाव निर्वाचन में इस प्रकार की छोटी मोटी गड़बड़ी होना भी कहीं ना कहीं बड़ी संदिग्ध बातों को जन्म देता है, इसलिए चुनाव में इस प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर सर आपका ये कहना है कि छोटी मोटी गलतियां यहाँ पर सामने आई हैं, विवेक तनखा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, भाजपा प्रवक्ता का ये कहना है कि छोटी मोटी त्रुटि सामने आ ही जाती है। चलिए विवेक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजपाल जी, एक बार फिर आपके पास मैं आना चाहूंगा, लेकिन सर जिस तरह से चुनाव आयोग कह रहा था कि कहीं भी कोई गलती सामने नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा घटनाक्रम हमारे सामने आता है, लापरवाही किसकी है सर? देखिए मानवीय त्रुटि भी हो जाती है कभी कभी, मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं कि क्योंकि आखिर इनाल तो कहीं ना कहीं जो
चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए लोग हैं वो भी मानवीय भूल कर बैठते हैं, परंतु इसमें मानवीय भूल भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये चुनाव का सेंसिटिव मामला रहता है। इसमें मानवीय त्रुटि भी ना हो इस बात की चिंता अधिकारी कर्मचारियों ने करना चाहिए। ये किस प्रकार की त्रुटि कहाँ है क्या है इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषियों को दंडित करने का कार्रवाई करना चाहिए। चलिए सर, साफ तौर पर आपका ये कहना है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की मांग भी आपके द्वारा की जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। विवेक तनखा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इसके लिए उनका भी धन्यवाद। संवाददाता रविशंकर हमारे साथ जुड़े इसके लिए उनका भी धन्यवाद। तो ये खबर आपको बता रहे हैं कटनी से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है डाक मतपत्र सुविधा पेटी की सील खुली मिली जिसकी शिकायत की गई है।